बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा करेले, जो कि सबकी मरगूब गिज़ा है और मेरी तो ये फेवरेट डिश है। चलिए हम देखते हैं कि ये किस तरह बनेंगे। सारे स्टेप्स को आपने बहुत गौर से देखना है। सबसे पहले मैंने लिया है कीमा, तकरीबन 1 kg, आप आधा किलो भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने करेले लिए हैं आधा किलो। करेलों के बीज निकाल के उनको अच्छे तरीके से पीस लिया था कुंडी के अंदर, इसको मैंने अच्छे से पीसा है। उसके बाद मैंने लिया है 1 tablespoon लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 tablespoon हरी मिर्च का पेस्ट, 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने और 2 अदद ही दरमियाने साइज़ के प्याज। एक कढ़ाई में मैंने लिया है ऑयल, उसके अंदर ऐड करेंगे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करेले अपने कटे हुए। अच्छा, याद रहे कि जो हमारे करेले हैं इनको मैंने काट के नमक लगा के अच्छे से तकरीबन आधा घंटा रख दिए थे। उसके बाद इनको अच्छे से 2 से 3 पानी धोया है ताकि इनका जो नमक है वो बिल्कुल निकल जाए और करेलों की जो कड़वाहट है वो भी दूर हो जाए। करेले जो हैं वो बहुत ही मरगूब ग़िज़ा है और इसके साथ ही साथ इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। करेले हमारी आईसाइट को बहुत तेज़ करते हैं, हमारी जो है स्टमक को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बेटर बनाते हैं। अगर आपके जिस्म में फैट्स हैं, एक्स्ट्रा चर्बी वगैरह है, उसको ये पिघलाने में काम आती हैं। बेशुमार फ़ायदे हैं आपके, आप सोच भी नहीं सकते करेले जो हैं वो कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं आपके लिए। दिल की बीमारियों से भी ये बचाते हैं हमें। उसके साथ ही साथ करेले जो हैं ये साथ ही साथ मैं आपको बताती जाऊंगी इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। चले, जितनी देर करेले फ्राई हो रहे हैं उतनी देर हम अपना कीमा जो है उसको गलाने के लिए रख देते हैं दूसरी साइड पे। 1 kg मैंने कीमा लिया है, आधा किलो भी ले लें आप, आपकी मर्ज़ी है तो इनफ होगा। 2 अदद प्याज डाल लें इसके अंदर दरमियाने साइज़ के कटे हुए। प्याज इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्योंकि करेले हैं या फिर भिंडी, इस टाइप की सब्ज़ियों में प्याज ज़्यादा ऐड होता है। उसके बाद 1 tablespoon इसके अंदर करूँगी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड। लहसुन अदरक को एक ही जगह इकट्ठा ही पीस लिया था मैंने, तो इसका पेस्ट बना लिया है, इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर जाएंगे हमारे टमाटर, 2 अदद टमाटर मैंने ऐड किए हैं इसमें। अब इसके अंदर कुछ मसाला डालूंगी मैं और फिर हम इसको गलने के लिए रखेंगे। 1 tablespoon मैंने ऐड किया है सूखी मिर्च पाउडर, 1/2 teaspoon ऐड किया है नमक, 1/2 teaspoon ही ऐड की है हल्दी, 1/2 teaspoon इसको हम ढांप देंगे तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए। दूसरी तरफ मेरे करेले जो हैं ये लाइट ब्राउन हो गए, ये देखें अच्छे तरीके से, इस इतना हमने इसको फ्राई करना है जितने ये हो चुके हैं मेरे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे वरना हमारे करेले जो हैं वो हार्ड टाइप हो जाएंगे ज़्यादा ही। इसको ज़्यादा अकड़ाना नहीं है, हमने नॉर्मल से इसको रखना है ताकि इसकी सॉफ्टनेस बरकरार रहे। अब जिस ऑयल में से मैंने करेले निकाले थे उसी के अंदर मैं ऐड कर दूंगी करेलों के बीज। करेलों के बीज जो हैं इसको साबुत हमने ऐड नहीं करना है, इसको मैंने पीस लिया था अच्छे तरीके से, ये जैसे कि आप देख सकते हैं पेस्ट बना लिया था इसका। उस पेस्ट को हमने इस ऑयल में डाल के फ्राई करना है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसको हमने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना, ये लाजमी इसके अंदर ऐड करने हैं। चलिए दूसरी तरफ हम अपना कीमा देख लेते हैं। तकरीबन 1/4 घंटा इसको मैंने गलाने के लिए रखा है, 1/2 से 1/4 घंटा कीमा हमारा ऑलमोस्ट गल चुका है। अब बाकी इसकी कसर जो है वो भुनाई के अंदर हम पूरी करेंगे। इसमें 1/2 कप ऑयल भी इसमें ऐड करूँगी इसको अच्छे तरीके से भूनने के लिए। कीमा
कीमे को हम भूनेंगे। पहले उसे इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करूंगी खुश्क धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगा ज़ीरा, साबुत ज़ीरा ऐड किया है मैंने। अब करेंगे इसकी अच्छे तरीके से भुनाई, जितनी ज़्यादा भुनाई करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका टेस्ट उभरेगा सालन के अंदर। ख़ास तौर पे जो आपका बीफ होता है उसको हम, वो भुनाई को ज़रा ज़्यादा टाइम लेता है, उसको हम ज़्यादा भूनते हैं। इसको अच्छे तरीके से इसकी मैं भुनाई करूँगी जब तक कि ये घी छोड़ दे और इसका कलर भी चेंज हो जाए ज़रा, तब तक हम इसको भूनते जाएंगे। बहुत ही कीमा ग्रेलर जो है वो सबकी महबूब ग़िज़ा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसको ये डिश पसंद नहीं होगी। एक तो फ़ायदों के लिहाज से ये बहुत ही उम्दा ग़िज़ा है, इसके साथ ही साथ टेस्ट भी इसका इतना मज़े का बनता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अपने फ्राई किए हुए करेले। इन दोनों को अब हम एक दूसरे में अच्छे से यकजान कर देंगे। फ्लेम जो है मेरा वो ऑन ही है, मीडियम फ्लेम पर हम इनको कर रहे हैं मिक्स। कीमे की भुनाई भी होती जा रही है। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं करेले के जो फ्राई किए हुए बीज थे, उनको मैंने कटोरी में निकाल लिया था तकरीबन 2 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद। अब उसको भी इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है। याद रहे करेले मैंने पहले ऐड किए हैं, बीज मैंने बाद में ऐड किए हैं, उसके बाद मैंने इसको इसमें ऐड किया है और इसको हमने कर लिया है अच्छे से मिक्स मीडियम फ्लेम पर। मीडियम टू लो फ्लेम ही हमने इसको पकाना है लास्ट पे, क्योंकि कीमा भी तकरीबन हमारा बिल्कुल रेडी है और करेले और बीज तो हम ऑलरेडी फ्राई कर चुके थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। चलें जी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस कीमा करेले मेरे रेडी हो चुके हैं। इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।